अब हम सॉल्व करेंगे ग्रामर मॉडल नंबर फोर्थ, क्लास 12th। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, दिया हुआ है ब्रैकेट में दिए हुए रिलेटिव प्रोनाउन से एक सेंटेंस बनाना है कि दैट का जो प्रयोग होगा वह सब्जेक्ट के रूप में आया है, इट के लिए इट हटेगा तो सेंटेंस बनेगा दिस इज द कैट। कि दैट का जो एंटीसीडेंट है वो पूर्वगामी शब्द द कैट है, द कैट दैट इट कैट के लिए ही आया है, तो ये हटा करके यहां सेंटेंस बना देंगे कॉट द रैट। तो इस तरीके से इट हटा करके दैट का प्रयोग करके हम सेंटेंस को एक बना सकते हैं। नेक्स्ट है इज दिस द हाउस, ये हाउस है। यहाँ वेयर का प्रयोग किया गया है, वेयर का जो एंटीसीडेंट होता है वो प्लेस होता है, स्थान होता है, तो ये प्लेस है, तो सेंटेंस बना इज दिस द हाउस वेयर, ये सेंटेंस वेयर यू वर बॉर्न। तो ये यहां पर इन इट ऑमिट हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इन इट ये वेयर के लिए ही आया, इसलिए इसको हटा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स की बात करेंगे। रिक्त स्थान में ये जो ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थान में रखना है, ब्लैंक्स में रखना है, तो किस तरीके से होगा। ही इज अ लायर अ थीव, आइदर और टू टू, सो दैट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आइदर और का प्रयोग होगा, ही इज आइदर लायर और अ थीफ होगा, या तो वो झूठा है या फिर चोर है, थीफ है। नेक्स्ट है बट और व्हाइल का प्रयोग करना है। आई वॉज इन द बाथरूम, आई हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब मैं बाथरूम में था तो मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी, तो जब के भाव के लिए व्हाइल का प्रयोग होगा व्हाइल। योर लेटर ब्लैंक सम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की याद दिलाने से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है, तो ब्रॉट डाउन नहीं होगा, ब्रॉट बैक होता है याद दिलाना, तो सेंटेंस हुआ ब्रॉट बैक। नेक्स्ट है माई न्यू बुक विल सून कम आउट होता है, कम इन का प्रयोग नहीं होता, कम आउट होता है प्रकाशित होना, तो यहां पर सेंटेंस होगा विल कम आउट, कि मेरी बुक शीघ्र ही प्रकाशित होगी। द थीव्स स्टार्ट देयर वर्क नाइट, तो यहाँ पर एट नाइट का प्रयोग होता है, इन नाइट का प्रयोग नहीं होता है। आर स्कूल विल स्टार्ट 1 जुलाई है, तो यहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा ना कि इन का प्रयोग, तो फ्रॉम बनेगा यहाँ पर सेंटेंस, तो सेंटेंस बना आर स्कूल विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। नेक्स्ट अब हम बातें करेंगे मॉडल नंबर फिफ्थ की। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स की बात करेंगे। वाई से सेंटेंस जोड़ेंगे, वाई का जो एंटीसीडेंट होता है, वाई का जो पूर्वगामी शब्द होता है वो रीजन होता है, तो इसके तुरंत बाद हम वाई का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा गिव मी द रीजन वाई, सेकेंड सेंटेंस जोड़ देंगे डायरेक्ट वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, इस तरीके से सेंटेंस वाई से हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट जोड़ेंगे हम हुम से, हु और हुम, हु सब्जेक्टिव होता है, हु हुम ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो एंटीसीडेंट होता है वो पर्सन होता है, एंटीसीडेंट पर्सन है, तो इसके तुरंत बाद हुम को, हुम का प्रयोग करेंगे हम, जैसे द मैन हुम, सेकेंड टेंस सेकेंड सेंटेंस लेंगे हुम यू गिव, सेकेंड सेंटेंस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको, ऑब्जेक्ट को अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हटा देंगे, यू गिव मनी कॉमा लगा करके रिमेनिंग पार्ट को जोड़ देंगे इज अ बेगर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा द मैन हुम यू गिव मनी इज अ बेगर। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, एंड नॉर आइदर सो दैट बोथ एंड टर्न बैक आदि, इनका हमें प्रयोग करना है, तो आई टीच राम एंड श्याम का प्रयोग होगा, यहाँ एंड आएगा एंड और, तो आई टीच मैं पढ़ाता हूँ राम और श्याम को, तो यहाँ ही इज, नेक्स्ट है ही इज पुअर
डैश ही कांट परचेज ए हाउस, तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग होगा, बोथ एंड का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ बना सेंटेंस ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है वी कांट टर्न बैक, लौटना, टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना, यहाँ सेंटेंस होगा टर्न बैक, तो टर्न बैक होता है लौटना कि अब हम लौट नहीं सकते। ऑन अकाउंट ऑफ हार्डवर्क, कठिन परिश्रम के कारण ही एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, तो गॉट थ्रू होता है पास होना, तो ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, कठिन परिश्रम के कारण उसने एग्जामिनेशन पास की। ही डज नॉट केयर, केयर के बाद प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग होता है, ही डज नॉट केयर फॉर मी। ही वेटेड फोर का प्रयोग होता है, ही वेटेड फॉर यू एट द बस स्टैंड। सॉल्व करेंगे इंग्लिश ग्रामर मॉडल पेपर क्लास ट्वेल्थ का 6th मॉडल पेपर। देखिए इसमें क्या है कि कंबाइंड सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, ग्रामर से रिलेटेड हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की बात करेंगे, कंबाइंड द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। देखिए यहाँ दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों को एक कंबाइंड करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से हमें ये कंबाइंड करना है। अब इसमें क्या करना है कि जब भी हम हु से सेंटेंस को जोड़ते हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्टिव केस कहलाता है, सब्जेक्ट का रूप कहलाता है, तो हम क्या करेंगे कि हु को हमेशा ही पर्सन के बाद लगाया जाता है, तो आंसर होगा द मैन हु, सेकंड सेंटेंस को देखेंगे हु से जब जोड़ते हैं तो दूसरे सेंटेंस के प्रथम जो सब्जेक्ट आता है उसको हम हटा देते हैं, सेंटेंस जोड़ते हैं लॉस्ट हिज मनी, रिमेनिंग पार्ट जो सेंटेंस का है प्रथम सेंटेंस का उसको रखते हैं केम टू सी अस, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो सेंटेंस बना द मैन हु लॉस्ट हिज मनी केम टू सी अस। नेक्स्ट है दैट इज द कार, इट रिटर्न्स स्मूथली, इट जो है कार के लिए आया है, ये हटेगा, विच से जोड़ेंगे, आंसर होगा दैट इज द कार विच टर्न्स स्मूथली, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में दिए हुए शब्दों में से फिल करने हैं ब्लैंक्स में। सरला इज इंटेलिजेंट है, शी कुड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, कि इंटेलिजेंट है फिर भी वह एग्जामिनेशन में ठीक नहीं कर सकती, तो यहां प्रयोग होगा येट का, फिर भी। द सम इज डिफिकल्ट, आई कुड नॉट सॉल्व इट, तो यहां सब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस बनेगा, प्रयोग करेंगे सो दैट का, यहां पर द सम इज सो डिफिकल्ट दैट कि आई कुड नॉट सॉल्व इट, इस तरीके से सेंटेंस सो दैट के माध्यम से बनेगा। टू टू का यदि हम प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा द सम इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व इट, जब वर्ब्स आती है सेकंड ब्लैंक के बाद जब वर्ब आती है तो हम वहां पर टू टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सेकंड ब्लैंक के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो वहां पर हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नन कैन से व्हाट विल टुमारो, आखिर कल क्या होगा, तो यहां होगा टर्न अप, कि कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। हाउ डू यू ब्लैंक ऑन सच अ स्मॉल सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी बचत की बात करेगा तो गेट बाई का प्रयोग होगा, गेट बाई अर्थ होता है बचत करना। हाउ डू यू गेट बाई ऑन सच अ स्मॉल सैलरी। वी शैल लीव फॉर दिल्ली संडे, तो यहाँ संडे से पूर्व ऑन का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा, इन मंथ होता है लेकिन ऑन संडे जो भी डेज है उनसे पूर्व ऑन का प्रयोग होगा। ही कॉट द बॉय द हेयर, किसी व्यक्ति को किसी अंग से पकड़ने के अर्थ में हम बाय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सेंटेंस होगा बाय, ही कॉट द बॉय बाय हेयर बाय कॉलर बाय हैंड बाय ईयर, इस तरीके से यहाँ बाय का प्रयोग होगा।